अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज आपके साथ एक और बहुत अच्छी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि टी टाइम स्नैक है। आप रमज़ान में भी इसको बना सकते हैं। बेसिकली आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो रोल्स जो कि बहुत मज़े के बनते हैं। तो चलें इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले यहाँ पर हम डो रेडी करेंगे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, उसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1/4 टीस्पून अजवाइन ऐड की है। यहीं पे मैं 2 टेबलस्पून इसमें घी के ऐड करूँगी। आप वेजिटेबल घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। बस इन सब चीज़ों को हम एक दफ़ा पहले मिक्स कर लेंगे और सिंपल रूम टेम्परेचर पानी के साथ हम इसकी डो को जो है वो गूंद लेंगे। डो को हमने नॉर्मल आटे की तरह ही गूंदना है, ना तो बहुत हार्ड हो और ना ही बहुत सॉफ्ट हो। मीडियम कंसिस्टेंसी की डो जो है वो हम इसकी रेडी कर लेंगे। सिर्फ ये 2 से 3 चीज़ें जाती हैं इसकी डो में और बहुत ईजीली हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ये देखें कितनी जल्दी ये बाइंड हो गई है। अब सिर्फ हम इसको 2 मिनट के लिए रखा है हमने और इसको देखिए आप इस तरह से नीट कर लिया है तो कितनी अच्छी डो रेडी होगी। अब हम इसे कवर करके आधे घंटे के लिए रख देंगे, तब तक हम फिलिंग रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने पोटैटो लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के जिसको बॉईल करके मैंने मैश कर लिया था। यहाँ पर 1 अदद हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया हम इसमें ऐड कर रहे हैं। यहीं पे कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जाते हैं इसमें। मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड कर रहे हैं। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट और आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आपको जितना पसंद है। इस तरह से हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। अब यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैदा लिया है मैंने और थोड़ा सा पानी डाल के इसकी इस तरह से एक थिक सी स्लरी रेडी कर ली है। अब हम इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काउंटर शेल्फ पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। जो डो हमने रेडी की थी उस डो को हमने यहाँ पे रखा है, एक दफ़ा हाथों से थोड़ा सा नीट कर लेंगे और उसके बाद हम इसको रोटी की तरह बेल लेंगे। जैसे हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं उसी तरीके से हम इसको रोटी की शेप में बेल लेंगे। बेसिकली रोटी आपको थिन बनानी है, थिक रोटी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारी पतली सी रोटी होती है इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब पिज़्ज़ा कटर की मदद से हम अपनी डो को जो है वो इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। अब देखें मैं किस तरीके से इसको काट रही हूँ, क्योंकि हम मिनी रोल्स बना रहे हैं तो हमें ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं रखना है डो का। नॉर्मली जिस तरह से हम क्रोसॉन्ट्स के लिए बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इस तरह से। अब जो हमने फिलिंग इसकी रेडी की थी उसके हम छोटे छोटे से कबाब बनाकर यहाँ पे रखते जाएंगे इस तरह से। इसी तरह से मैं सारे जो है वो इसको फिल कर लूँगी। ये देखें इस तरह से हमने सभी रख लिए हैं हमारी जो फिलिंग थी। इतनी डो के हिसाब से 2 मीडियम साइज़ के आलू की फिलिंग जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रहती है। अब जो स्लरी हमने मैदे की रेडी की थी उसको थोड़ा सा हम इस तरह से सेंटर में लगा देंगे ताकि हम इसको फोल्ड करने में आसानी हो और बिल्कुल हम इसको इसी तरीके से रोल करेंगे जिस तरह से नॉर्मल हम क्रोसेंट्स रोल करते हैं। ये देखें ये इस तरह से हमारे पास रेडी हो गए। सभी रोल्स को हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। बहुत सिंपल रेसिपी और बहुत इजीली और बड़ी जल्दी जो है ना ये रेसिपी तैयार हो जाती है। इस तरह से सभी रोल कर लें आप और इसको हम बनाकर एक डिश में रखते जाएंगे। आप इसको बनाकर तकरीबन 1 दिन के लिए आराम से कवर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखें मैंने सभी रोल्स जो हैं वो बना लिए हुए हैं। अब हम इसकी फ्राइंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने मैदे की स्लरी रेडी की थी उसमें हम इसके दोनों कॉर्नर्स को डिप कर देंगे ताकि फ्राई करने वक्त जो हमारे पोटैटो की फिलिंग है वो इसमें ऑयल में ना निकल सके। बस हमने दोनों एजिस को जो है वो उसमें डिप करना है मैदे की स्लरी के अंदर और इसको हम ऑयल में डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको फ्राई कर लेंगे। जब दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट ही लगते हैं इसको फ्राई होने में और बहुत जल्दी ये रेडी हो जाते हैं। ये देखें कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं ये। तो देखा व्यूवर्स आपने कितनी जल्दी हमने पोटैटो रोल्स जो हैं वो रेडी कर लिए थे और बहुत मज़े के बने हैं। क्रिस्पी भी हैं और अंदर से फिलिंग इसकी सॉफ्ट है तो टेस्टी बनते हैं। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अच्छी मज़े की रेसिपी है ये। और अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।